नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बोइंग के एक बहुत ही बड़े न्यूज़ की, यानी कि अमेरिकी कंपनी जो कि अमेरिकी के फाइटर जेट्स वगैरह बनाती है उसकी तरफ से एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल गया है जो कि सीधे सीधे भारत के एयरफोर्स रिलेटेड है। चलिए जानते हैं दरअसल न्यूज़ है क्या। दरअसल दोस्तों बोइंग का कहना है कि बोइंग पिछले कुछ दिनों में बोइंग को अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अप्रूवल्स मिले हैं जिसके तहत बोइंग को यह अधिकार मिल गया है कि वह भारत को अपना सबसे बेस्ट फाइटर जेट यानी कि F-15EX जेट जो है वह भारत को ऑफर कर सके। लेकिन इससे पहले बहुत ही अड़चनें थी इस फाइटर जेट को भारत को देने में, क्योंकि ये एक ऐसा फाइटर जेट था अमेरिका का जिसपे काफ़ी प्रतिबंध है। अमेरिका को भी पता था कि ये फाइटर जेट्स अमेरिका के अलावा बहुत कम ही ऐसे देश हैं जिसको अमेरिका बेचता है, क्योंकि इसकी जो खासियत है वो बहुत ज़्यादा है। दरअसल ये किसी भी तरह से F-22 रैप्टर या फिर F-35 जैसा तो नहीं है, स्टेल्थ नहीं है, लेकिन ये इस तरह से बनाया गया है कि स्टेल्थ ना होते हुए भी आज तक दुनिया में जितनी भी तबाहियां हुई हैं वो F-35 या F-22 के अलावा इसी ने किया है। क्योंकि इसको इस तरह से बनाया गया है कि किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके मेजर एसेट्स या फिर उसके डिफेंस सिस्टम को कह लीजिए, ये एक झटके में तबाह कर देती है। इसी वजह से अमेरिका इसको अपने ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ करता था। जब उसको जहाँ पे ज़रूरत होती थी कि किसी भी देश की जो कमर है वो तोड़ने की बात आती थी तो अमेरिका इस फाइटर जेट्स का यूज़ करता था। इसीलिए इस पर इतने प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखे थे कि बोइंग को अगर इसे बेचना भी होता तो उसको अमेरिका की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन आपको बता दें कि जो बाइडन के आने के बाद उन्होंने इस जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, अब बोइंग को ये अधिकार मिल गया है कि भारत को ऑफर कर सकता है। क्योंकि बता दें भारत की जो ज़रूरतें हैं वो पाकिस्तान और चीन की बॉर्डर पे, उसके हिसाब से बोइंग का जो ये F-15EX है वो बहुत ही कारगर होगा। क्योंकि आपको बता दें भारत के पास राफेल जैसे फाइटर जेट्स तो हैं, लेकिन अगर भारत के पास इस तरह का एक और बेड़ा हो जाता है जो कि F-15 का हो तो सोच लीजिए कि भारत कितना पावरफुल होगा। और चाइना जैसे देश के लिए तो ये बहुत मुश्किल बात होगी कि भारत की तरफ थोड़ा भी अग्रेसन कर पाए। तो चलिए जानते हैं आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों भारत इसके पीछे पड़ा है, न कि F-21 यानी कि जो लॉकहीड मार्टिन का F-21 है वो भी भारत को ऑफर हुई है लेकिन भारत उसको लेना नहीं चाहता। आखिर ऐसी क्या बात है इसमें जिसके पीछे भारत पड़ा हुआ है। दरअसल बता दें कि F-15 जो है वो EX जो है वो F-15 की जो भी फैमिली है उसमें सबसे एडवांस वर्जन ही है, और ये डे नाइट में काम करने वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है, यानी कि आप इसको हर एक वेदर में हर कंडीशन में आप उसको उड़ा सकते हैं और कोई भी इसमें अड़चने नहीं है, और ये सबसे एडवांस वर्जन है। इसी वजह से भारत चाहता है कि वो F-21 न लेकर F-15EX ईगल की तरफ अपना रुख करे। यही कारण है कि भारत अभी भी अमेरिका के ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको इस चीज़ की ज़रूरत थी। अब बता दें जो भारत अभी पिछले साल 2019 में एक रिक्वेस्ट जारी किया था भारत की एयरफोर्स ने, उसके तहत भारत 114 जेट्स खरीदना चाहता था जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डील होने वाली थी। उसकी कीमत जो थी $18 बिलियन थी। इसी को ध्यान में रखे दुनिया भर की जो फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी है, चाहे लॉकहीड मार्टिन का F-21 हो, चाहे डसॉल्ट का राफेल हो, या फिर आपके लिए यूरोपियन यूनियन का टाइफून हो, या रसिया का MiG-35 या ग्रिपेन हो, हर कोई इसमें टॉप कंटेंडर थे। लेकिन भारत किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि भारत की ज़रूरतें ये सब पूरी नहीं कर पा रही हैं। इसी तरह डसॉल्ट भी चाहता है कि भारत को वो अपना, अगर वो डील अपने पक्ष में करना चाहता है तो वो भी चाहता है कि जो राफेल है उसका सबसे मोस्ट एडवांस वर्जन जो खुद के लिए ही बना रहा है वो भारत को ऑफर करना चाहता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो F-15 की एंट्री हुई है इस डील में वो पूरा का पूरा गेम चेंज करके रख देगा, क्योंकि इससे बेहतर कुछ कोई डील हो ही नहीं सकती। आप समझ लीजिए कि जितना भी दुनिया में युद्ध हुए हैं आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि इसको कभी कोई डिफेंस सिस्टम ट्रैक किया हो और मार के गिरा सका हो, क्योंकि स्टेल्थ न होने के बावजूद भी इतना पावरफुल है कि आप इसको ट्रैक तो कर सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते हैं, क्योंकि अपने आप इतने सारे गोला बारूद लेके जा सकता है जो किसी और फाइटर जेट्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है। और ये जिस देश में एंटर करता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही आती है। यही कारण है कि अमेरिका इसको बहुत ही अहम मौके पर बहुत सोच समझ के यूज़ करता था, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में जो दोस्ती चल रही है उसका नतीजा यह है कि भारत अमेरिका को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है और अमेरिका भी भारत के साथ ऐसे ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना के रखना चाहता है। बोइंग का कहना है कि बोइंग भारत के साथ पार्टनरशिप करने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है,
और आने वाले समय में बोइंग जितनी भी अपने प्लान्स कर रहा है वो भारत की डिफेंस को ध्यान में रख के ही कर रहा है, यानी कि बोइंग का पूरा ध्यान इंडिया की डिफेंस मार्केट पे है और वो चाहता है कि इस मौके को वो गंवाए ना, इसी वजह से अपने सारे प्लान्स भारत को ध्यान में रख के ही बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की सबसे बड़ी न्यूज़ जो कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से थी और बोइंग की तरफ से। आपको क्या लगता है, भारत को F-15 लेना चाहिए या F-21, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट हैं। लेकिन अगर F-22 की बात होती रैप्टर की तो मेरा तो मानना यह था कि भारत को वो ले लेना चाहिए था क्योंकि वो सबसे बेस्ट है, उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर भारत को F-15 भी मिलता है तो ये कम नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चीन से ही हमारा मुकाबला होता है। तो ऐसे में अगर हम F-15 भी ले लेते हैं तो पाकिस्तान की तो हिम्मत नहीं हो पाएगी क्योंकि वो इस तरह की कुछ भी कर सके, फिर हमें चीन के लिए ही थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये चीन के लिए भी काफ़ी पर्याप्त रहेगा। और बोइंग का कहना है कि वो इसको भारत में भी डेवलप करेगा, यानी कि जो भी इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या स्किल की जो ट्रेनिंग होगी वो सब मिलजुल कर भारत के साथ करने को बहुत ही एक्साइटेड है। तो मुझे तो लगता है ये बेस्ट डील है, अभी फ़िलहाल भारत को ले लेना चाहिए, क्योंकि भारत के जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स का जो प्रोजेक्ट है वो अभी पूरा नहीं होने वाला है और काफ़ी समय लगेगा। एम का या आप कह लीजिए आप जो भी चीज़ें हैं भारत में 5th जनरेशन को लेकर बनाई जा रही हैं उसमें टाइम तो लगना ही है। तो अभी फ़िलहाल जो ज़रूरत है चीन को देखते हुए मेरे ख्याल से भारत को इस पर ले लेना चाहिए, ये डील छोड़ना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, भारत को ये डील करना चाहिए नहीं, अपने राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे सब चैनल को अगर तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंडियन डिफेंस और इंडियन स्पेस साइंस से रिलेटेड वीडियोस रोज लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।